तस्वीरें राजस्थान के पाली जिले से सामने आई हैं, जहां राजस्थान पुलिस के एएसआई ओम प्रकाश चौधरी कुर्सी पर बैठे हैं। एएसआई ओम प्रकाश के साथ कुछ और पुलिस वाले भी डंडा लेकर पीछे बैठे हैं और सामने एक शख्स को मुर्गा बनने की सजा दी जा रही है। पाली के गुड़ा एंदला थाने के एएसआई की जेब शायद ढीली हो गई थी, इसलिए ये शहर के राजपूताना होटल में अपने सिपाहियों को लेकर पहुंच गए। अचानक ही होटल में डबिस डाल दी थी, वो भी ये सोचकर हो सकता है होटल में शराब की कुछ बोतलें मिल जाएं तो अपना काम बन जाएगा। जब तलाशी के दौरान होटल से कुछ भी नहीं मिला तो एएसआई ओम प्रकाश गुस्सा गए। होटल के पूरे स्टाफ को फटकार लगाने के बाद होटल मालिक ने जब एएसआई से कुछ कहना चाहा तो एएसआई ओम प्रकाश का सारा गुस्सा होटल मालिक पर ही उतर गया। होटल के मालिक को एएसआई ओम प्रकाश ने पूरे स्टाफ के सामने मुर्गा बना दिया। यही नहीं, एएसआई ने होटल मालिक से होटल का नाम बदलने को कहा कि राजपूताना नाम नहीं चलेगा, लेकिन एएसआई ओम प्रकाश शायद इस बात से अनजान थे जिस होटल में ये सब कर रहे थे उसी होटल के सीसीटीवी में ओम प्रकाश की करतूत कैद हो गई। रौब झाड़कर एएसआई ओम प्रकाश चलते बने। जब होटल मालिक ने सबके सामने एएसआई की दबंगई वाला वीडियो दिखाया तो इसके बाद गुस्साए लोगों ने एएसआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एएसआई ओम प्रकाश चौधरी कहता है, मैं जहां रहता हूं राजपूतों का शिकार करता हूं। राजस्थान पुलिस के सबसे बड़े अफसर लाठर साहब मेरे रिश्तेदार हैं। पाली छोड़ देना, नहीं तो जीना हराम कर दूंगा। आपको बताते हैं ओम प्रकाश के वो प्रमुख मामले जिनकी वजह से ओम प्रकाश चर्चा में रहता है। जोधपुर ग्रामीण में रहते हुए गिरफ्तारी वारंट के आरोपी को लाते वक्त मारपीट की। आरोपी बचने के लिए भागा तो ट्रक से कुचल गया। तख्तगढ़ थाना क्षेत्र में लाटाड़ा चौकी पर मारपीट का मामला। गुड़ा एंदला थाने में युवक राहुल वाल्मीकि की हत्या का मामला। ट्रांसपोर्ट नगर थाने में रावत समाज के युवक की मारपीट के बाद मौत का मामला। सदर थाने के सांकड़ावास गांव में झूठे मुकदमे कर अशोक सिंह चारण कई लोगों को फंसाने का प्रकरण। इसके अलावा भी गुदोज, टैगोर नगर समेत कई इलाकों के प्रकरणों में ओम प्रकाश का नाम आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पाली।